बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। आज का हमारा टॉपिक है एक्नी स्कार मार्क्स। आपने अक्सर लड़कियों के चेहरे पे देखा होगा और यंग मेल्स के चेहरों में देखा होगा, एक्नी के बाद स्कार्स मार्क्स बन जाते हैं, यानी हल्के हल्के खड्डे बन जाते हैं, यानी उर्दू में से कहते हैं खड्डे बन गए, यानी पिटेड स्किन हो जाती है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है वो मैं आपको आज बताता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। ये बड़ी स्टिग्मा है, यानी सोशली स्टिग्मा है। लोग अपना चेहरा, लोगों खास तौर पे फीमेल्स अपना चेहरा दूसरों को नहीं दिखाती, अपने चेहरे पे वेल रखती हैं। वेल करना तो वैसे अच्छी बात है, लेकिन अपने ये जो स्किन में उनकी पिटेड स्किन हो गई है, जो स्किन में खड्डे पड़ चुके हैं, उसकी वजह से वो अपना चेहरा नहीं दिखाती। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैं आज आपको बताता हूँ। इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है PRP इंजेक्शन ऑन योर फेस स्किन। स्किन पे हम PRP इंजेक्शन लगाते हैं, उसी से वो खड्डे दूर हो सकते हैं। और इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, CO2 लेज़र ट्रीटमेंट है, लेकिन उससे वो खड्डे दूर नहीं होते, निशान दूर हो जाते हैं। लेकिन जो आपकी स्किन में जो पिटेड स्किन बन गई है, खड्डे पड़ चुके हैं, वो आपके PRP इंजेक्शन से ही होते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, इसका हम आपका ब्लड लेते हैं, उसमें से हम प्लाज्मा सेपरेट करते हैं। ये जो प्लाज्मा होता है इसमें रिच प्लेटलेट होते हैं, इसमें प्लेटलेट में होते हैं ग्रोथ फैक्टर। जब हम ये प्लेटलेट आपकी स्किन पर लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी कोलेजन सिंथेसिस होती है, यानी आपकी स्किन में इलास्टिसिटी दोबारा वापस आती है, नई स्किन बनती है, नया कोलेजन बनता है, जिसकी वजह से वो आपके खड्डे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये है मेन ट्रीटमेंट, ये हम अपने क्लिनिक पर करते हैं। ये कोई ब्यूटिशियन या कोई क्वैक वगैरह ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, ये कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकता है। तो ये ट्रीटमेंट हम अपने क्लिनिक पे करते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट है खड्डे, यानी आपके जो पिटेड स्किन है ड्यू टू एक्नी स्कार मार्क्स, उसकी वजह से। तो ये जो PRP ट्रीटमेंट है ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, ये और यही ही रिकमेंडेड है। तो अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम हो हमें हमसे कंसल्ट करें, हम इंशाल्लाह उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, उसको अफाका होगा। मज़ीद कोई आपने क्वेश्चन करना हो, क्यूरी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, और इसी नंबर पे जो मेरे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।